चिर भयो दर्शन देखे, चिर भयो दर्शन देखे, चिर भयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, हम सर दीन जाले ना तुम सर, हम सर दीन जाले ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजे, अब पतियार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन माने, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजे, जन को पूरन दीजे, हम बल बल जाओ रामैया कारणे, हम बल बल जाओ रामैया कारणे, कारण कवन अबोल, कारण कवन अबोल, बहुत जन्म बिचरे थे माधो,
बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। ये शब्द भगत रविदास दा है। भगत रविदास जात दे चमार सन, इन्हां दे पिता जुतियां गंढण दा काम करया करदे सन। बनारस इन्हां दी जन्म भूमि सी। रविदास वड्डे होए पिता दे नाल दुकान ते काम करदे ने, पर सुभा ऐसा कि जे किसे ने पैसे दिते तां वी ठीक, जे किसे ने कहा भगत जी मेरे कोल पैसे नहीं ते कहना चंगा भाई तू अपना काम सार ले, पैसे नहीं तां रहण दे। माता पिता ने सलाह कीती कि इस तरह तेरा रविदास सारी दुकान लुटा देगा। इहदा सुभा जिहड़ा है ऐसा दानी रहा ते अगला जीवन इहदा किस तरह बीतेगा। यह सलाह कीती कि रविदास दी शादी कर देने, जिम्मेवारी पवेगी तां आपे कमाण लग पवेगा। रविदास दी शादी कर दित्ती, पर सुख दे नाल घरवाली भी ऐसी मिली जे रविदास जी ने कहना भलीए लोके दिन है तां सत बचन दिन है, जे कहना रात है ता कहना सत बचन स्वामी जी रात है। माता पिता होर दुखी हो गए कि अगे ते कल्ला रविदास सी, हुण इहदी घरवाली भी एहो जी आ गई। माता पिता ने सलाह कीती ते कहा रविदास तेनू असी जन्म दिता, वड्डा कीता, तेरा व्याह कर दिता, ते असी तेनू हुण कमा के खवा नहीं सकते। तेनू जिन्ना समान चाहिए वह ले लै ते तू वखरे हो जा। रविदास भगत ने जो समान चाहिए सी वह ले लिया। शाही सड़क ते भगत रविदास ने अपनी शान पा ली, हुण इत्थे रहन लग पए ने। दोनों मियां बीबी दोनों वक्त बंदगी करदे ने, सुभा इक ने, क्योंकि भगती भी ताई हो सकती है जे घर विच शांति होवे।
जिस घर विच सुख नहीं, जिस घर विच शांति नहीं, उथे इंसान नाम भी नहीं जप सकता। जिस तरह के रविदास भगत दे घर शांति है, दोनों मियां बीबी उस परमेश्वर दे चरणा दे नाल अपना मन जोड़ते, बंदगी करते गए, लोगों नूं जुतियां गंढ गंढ के देंदे ने पर अपने पैर नंगे। काफी समा इसी तरह लंघ गया। परमेश्वर ने एक ब्राह्मण का रूप धारिया, रविदास भगत की चुगी विच चले गए। अपने सुभाव अनुसार रविदास जी ने उस ब्राह्मण भगवान की सेवा की। जान लग्या ब्राह्मण भगवान कहन लगे, रविदास तेरे विच श्रद्धा भाव बहुत है पर तू गरीब है। मेरे को एक पारस है, जिन्हू लाएगा वो चीज सोना बन जाएगी, वो सोना बाजार वेच सोने मंदिर मकान बना, आए गए दी सेवा कर, तेरा ओ रब तेरा भगवान तेरे ते खुश होवेगा। ते जवाब की दिता भगत जी, कहन लगे ए ब्राह्मण देवता, मेरे कोल इन्ना समा नहीं हैगा कि पहला मैं पारस दे नाल सोना बनावा, फिर उस सोने नू बाजार वेचन जावा। जिन्ना समा मैं सोना बना के बाजार वेचना है, उन्ना समा मैं परमेश्वर का नाम होर जपांगा। रविदास भगत ना मन्ने ता उस ब्राह्मण भगवान ने वो पारस एक कपड़े विच लपेटिया, ते रविदास जी दी झुग्गी दे बूहे नाल बन गए। अंदर बार वड़दे आ कदी तां दिल करेगा ते रविदास इस पारस नूं वरत लवेगा, आप चले गए। काफी समय बाद ब्राह्मण भगवान फिर आए, ते रविदास दी ओह ही हालत है। भगवान ने पूछया, रविदास मैं तेनू एक पारस दे गया सी। रविदास जी कहन लगे, मैनू तां पता नहीं, जिथे तुसी रखिया सी उथे पिया होवेगा। ब्राह्मण भगवान ने देखिया कि पारस ते बूहे दे नाल बज्जा होया, पारस हाथ विच फड़ के भगवान बैठ गए ते समझ गए रविदास ने माया ते काबू पा ले। पर भगवान कहन लगे कि मैं भगत नूं माया दे के छड़नी। कहन लगे रविदास, और देख तेरे पिछे की। रविदास ने कंड मोड़ी ता भगवान अलोप हो गए। जदों फिर इस पासे मुंह कीता रविदास जी ने, ब्राह्मण भगवान अलोप हो चुके ता कहन लगे, ओ मना, ए ता आप रब तेरी झुग्गी विच आया, तू पहचान ना सके, मन दुखी हो गया, अखां भर आईयां के तू रब नू ना पहचाने। पर फिर अपने आप नू तसली दित्ती, ए शब्द उचारिया, उस परमेश्वर दे चरणा विच ते नाले इउं किया। भगत रविदास जी अपनी बाणी विच बयान करदे ने, जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। ऐ परमेश्वर, जो हम बांधे मोह फास,
तू सानू मोह माया विच बन्या होया। हम प्रेम बंधन तुम बांधे, तू सानू मोह माया विच बन्या है, ते असी तेनू अपने प्रेम दे नाल बन्ने है। तेरा नाम जप के तेरी दिती हुई मोह माया तू असी छुट जाने है। ते तेरा नाम जप के तेनू अपने हिरदे विच असी कैद कर ले, असी तां छुट गए हां मोह माया तू। हुण तू कोई ऐसा जतन कर, सामणियों ते चला गया है, मेरे हिरदे विचों निकल के दस, मैं तां तेनू मन्ना। जो हम बांधे मोह पास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम अरादे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। भगवान चले गए, राती सुते, सवेरे उठे ने रविदास भगत, आसन झाड़िया, पांच मोहरां सोने दियां निकलियां, ठीकरियां समझ के एक पासे रख दितियां, रोज आसन झाड़दे ने, रोज पांच मोहरां निकलदियां ने, ठीकरियां समझ के एक पासे रखी जांदे ने। इन्हां दिनां विच गंगा ते अपीज नछत्र दा मेला लग्या करदा सी। रविदास भगत दे घरों कहन लगे, स्वामी जी बड़े लोग गंगा ते नहाण वास्ते जा रहे ने, मेरा भी दिल करदा है अस भी गंगा ते जाके इशनान करिए। रविदास भगत कहन लगे, पलिए लोके जेड़े लोग गंगा ते इशनान करन जांदे ने, गंगा माई नू पेटा कुछ ना कुछ जरूर चढ़ांदे ने, तेरे कोल कुछ पेटा तरन वास्ते है। कहन लगे, स्वामी जी एक दमड़ी है कसीरा, ओ दमड़ी पल्ले बनी गंगा ते इशनान करन वास्ते तुर पए ने। गंगा घाट पहुंची की देखिया, हजारां लोग गंगा ते इशनान करन वास्ते आए हुए ने, कोई सोना, कोई चांदी, कोई कपड़े, कोई गहने, कोई दीवे बाल बाल के डूनिया विच रख के गंगा माई नू भेटा धर रहे है, ते गंगा माई सब कुछ रोड़ के लई जांदी। रविदास भगत अपनी घरवाली दे नाल एक पासे जाके खलो गए ने, ओ दमड़ी कसीरा कढ़िया, इशनान करन तो पहला ओ दमड़ी गंगा दे विच सुट्टी,
जदू ओ दमड़ी गंगा विच सुट्टी ते पानी दे विचों एक पंजा उंगलां वाला हाथ बार निकले है। ओ दमड़ी उस हाथ ने फड़ ली ते आवाज आई, रविदास तेरी भेटा गंगा माई ने प्रवान की थी। भाई गुरदास जी इस गल की शाख भरते हैं, लिया कसीरा हाथ कड के गंगा माई ने अपना हाथ कड के ओ कसीरा ओ दमड़ी प्रवान की थी। एक औतक उन्हां हजारां लोकां ने जदों देखिया कि साडी भेटा गंगा माई रोड़ के ले जा रही है, असी खुश हो रहे हैं कि साडी भेटा गंगा माता ने प्रवान की थी। पर किसे दी भेटा गंगा माई हाथ कढ के भी प्रवान कर दी है। ओ सारे लोग भगत रविदास नूं नमस्कारा करन लग पए ने, हर पासे जय जयकार होण लग पई। भाई गुरदास जी बयान करदे हन, भगत भगत जग वजिया चौ चक्कां दे विच चमरेटा, कि हर पासे भगत जी होण लग पई। गंगा नहा के वापस आ गए ने। रविदास भगत जदों भी आसन झाड़ते ने पांच मोहरां सोने दियां निकलदियां ने, चंगा ढेर लग गया। एक दिन पाख्या आई, रविदास ये सोने दियां मोहरां ने ठीकरियां नहीं, जिहड़ियां तू एक पासे रखी जाना है ये मैं आप खुश होके तेनू दे रहा। तू सोहनी मंदिर मकान बना, सवेरे एक सेठ आवेगा बहुत सारी माया लैके, ताकि लोकी शक ना करन कि गरीब कोल इन्नी माया कित्थों आ गई। तेरे वो मंदिर मकान बनावेगा उन्हों इनकार ना करी। रविदास भगत उठे, अपनी घरवाली नूं क्या पलिए लोके इस तरह मैनु पाख्या आई। रविदास भगत दे घरों कहन लगे, स्वामी जी जे परमेश्वर की यह मर्जी है ता इसे तरह हुण दिओ। दिन चढ़िया, एक सेठ माया दियां थैलियां लैके हाजिर हो गया। रविदास भगत नूं मत्था टेकिया, क्या भगत जी मेरे घर लड़का कोई नहीं सी, तुहाडी शोभा सुनी अरदास कीती जे मेरे घर पुत्र होया ते रविदास भगत दे मंदिर मकान मैं आप बनावांगा, मैनू हुण आग्या दिओ। रविदास भगत ने आग्या दे दित्ती, सोहणे मंदिर मकान बन गए। भगत रविदास उन्हां मंदिर मकानां विच आ के बैठ गए ने, संगत भी बहुत आण लग पई, कीर्तन होण लग पए। बनारस विच हर पासे भगत रविदास दी जय जयकार होण लग पई। पर यह गल जिहड़े पंडित लोग सन उन्हां नूं चंगी ना लगी कि एक चमार जुतियां गंढण वाला ओ मंदिर विच बैठ गया, लोग उहदी पूजा करन लग पए ने। इन्हां सारिआं ब्राह्मणां ने सलाह कीती कि रविदास नूं मंदिर दे विचों कढा दईए। ये सारे जणे तैयार होके जिहड़ा समें दा नवाब सी उहदे कोल चले गए ने भगत रविदास की शिकायत करन वास्ते। चिर पयो
दर्शन देखे चिर पैउ दर्शन देखे चिर पैउ दर्शन देखे चिर पैउ दर्शन देखे कह रविदास आस लग जीवो कह रविदास आस लग जीवो चिर पैउ दर्शन देखे 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 बनारस दे पंडतां ने कठे होके समय दे नवाब दे कोल ए शिकायत कीती कि रविदास चमार है मंदिर विच बैठा पूजा करवा रहे इन्हें साडा धर्म भ्रष्ट कर दिता है इन्हू रोकिया जावे ते नवाब उन्हां ब्राह्मणां नू कहन लगा धर्म दा मामला है इहदे विच मैं कोई फैसला नहीं दे सकदा एक काम करने आ उस मंदिर दे विच जिन्हां भी मूर्तियां ने उह सारियां मूर्तियां एक चंदन दी चौंकी ते रख के गंगा दे पार रख देने आ ते पहला पंडित आवाज मारन उह मूर्तियां बिना किसे सहारे दे पानी ते तुर के गंगा दे इस पासे आ जाण ता पंडित पूजा करनगे फिर रविदास आवाज मारी जे रविदास दी आवाज ते ओ मूर्तियां गंगा तों तुर के आ जाण ता रविदास पूजा करेगा जे दोनों दी आवाज ते मूर्तियां आ जाण ता दोनों नूं अधियां अधियां मूर्तियां असी दे देंगे पंडतां ने यह फैसला मन लिया उन्हां नूं माण है असी उच्चियां जातां वाले जनेऊ पाए गंगा ते इशनान करने काला इलम जानने रविदास नूं उस परमेश्वर ते भरोसा सी भगत जी कहन लगे सानू भी ये फैसला मंजूर है दिन मिथ्या गया मंदिर दियां सारियां मूर्तियां चंदन दी चौंकी ते रख के गंगा दे किनारे रख दित्तियां दूसरे पासे रविदास भगत ब्राह्मण नवाब होर काशी बनारस दे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए
बहुत वड्डा जिवें मेला लगता है, इस तरह दुनिया इकट्ठी हो गई। नवाब ने पंडितां नूं कहा, तुसी आवाज मारो तां कि ओ मूर्तियां बिना किसे सहारे पानी ते तुर के इस पासे आ जाण। इत्थे एक गल कहनी जरूरी है, रविदास भगत ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, पर एक गल कही, जे इंसान का प्यार सच्चा है ता पत्थर दे विचों भी वह परमेश्वर नूं पा सकदा है। नवाब ने पंडितां नूं कहा, आवाज मारो उन्हां मूर्तियां नूं। लगे आवाजा मारन, पर पत्थर दियां मूर्तियां किस तरह आ सकदियां ने? काला इलम भी कईयां ने पढ़िया पर कोई पेश ना गई, शर्मिंदे हो गए। कहन लगे, नवाब साहब कलयुग दा समय, इन्हां मूर्तियां दे विच जान नहीं पै सकदी, पर ए मूर्तियां सुते सिद्ध मनोकामना पूरी कर दिंदियां हन। नवाब ने रविदास भगत नूं कहा, भगत जी हुण तुसी आवाज मारो, ओ मूर्तियां गंगा दे इस पासे आ जाण। रविदास भगत चौंकड़ा मार के बैठ गए, अखां बंद कर लईयां, हाथ जोड़ ले, उन्हां मूर्तियां वास्ते अरदास नहीं कीती, उस परमेश्वर दे दर्शना वास्ते रविदास भगत जी अपनी बाणी विच इउं बेनती करदे ने, अपने मन दी तड़फ परमेश्वर दे सामने इउं बयान कीती। भगत रविदास जी ने, कूप भरियों जैसे दादरा, कच्छ देश बदेश ना बूझे। भगत जी कह रहे ने, कूप कहंदे ने खूह नूं, कि जिस तरह खूह दे विच पानी भरिया हुंदा है ते उहदे विच डड्डू हुंदा है, उस डड्डू नूं इह नहीं पता कि इस खूह दे बाहर भी दुनिया है। इसे तरह है परमेश्वर, मैं भी मोह माया विच फसिया होया, उस डड्डू की तरह मैनू नहीं पता तू कैडा कु वड्डा है, तू किन्ना बयानत है, ये मैं नहीं जान सकता। कूप भरियो जैसे दादरा, कच्छ देश बदेश ना बूझे। ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोया, कच्छ यारा पार ना सूझे। सगल पवन की नायिका, एक छिल दर्श दिखाए जी। कहन लगे, सगल पवन की नायिका, ऐ सारी दुनिया दे मालका, एक वारी ता आके मैनू दर्शन दे। सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी। मलन पई मत माधवा, तेरी गत लखी ना जा, करो कृपा ब्रह्म चुकई, मैं सुमत देव समझाई।
जो की सुर पावे नहीं तो गुण कथने अपार। प्रेम भगत के कारणे कै रविदास चुमार। ऐ परमेश्वर मैं बेनती प्या करदा, मैं चुमार हां पर तेरे नाल प्यार बहुत है, कृपा कर ते मैनू दर्शन दे। रविदास जी तां अखां बंद करके मन जुड़ के बैठे ने, पर वो जिहड़े देखण वाले लोकी ने उहनां नूं इस तरह लग्या जिवें वो पत्थर दीआं मूर्तियां हिलण लग पईआं ने। चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। दूसरा शब्द, तुम चंदन हम रंड बापरे। ऐ परमेश्वर तू चंदन है, बहुत खुशबू वाला है, पर असी बहुत नीवे हैं, विकारां दे भरे हुए। जिस तरह जिहड़ा चंदन दे कोल रहिंदा है वह भी चंदन वर्गा हो जाता है, खुशबू वाला हो जाता है, इस तरह असी नीवे सीगे पर तेरे नाल लग के असी भी ऊंचे हो गए हैं। तुम चंदन हम रंड बापरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊंच पाए है, गंध सुगंध निवासा। ते देखण वालियां नूं इस तरह लगे ओ मूर्तियां पानी दे अध तक आ गईयां ने, पर रविदास भगत नूं कोई पता नहीं, क्योंकि मन परमेश्वर दे चरणां दे नाल जोड़े है। ते तीसरा शब्द ए उचारिया, हम सर दीन दयाल ना तुम सर। दीन कहंदे ने गरीब, भगत जी कह रहे ने कि मेरे वर्गा कोई गरीब भिखारी नहीं, ते तेरे वर्गा कोई दाता नहीं हैगा। हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजे। हौ बल बल जाओ रमैया कारणे, कारण कवने अबो, बहुत जन्म बिछरे थे माधो। किन्ने जन्म हो गए ने तेरे तू बिछड़े हैं, पर ये जड़ा जन्म है ऐ परमेश्वर मैं तेरे लेखे ला दिता है। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेख है, कह रविदास आस लग जीवो। रविदास जी कहन लगे मैं ता एक तेरी आस ते बैठा के कदों तू मैनू दर्शन देवे, बड़ा चिर हो गया है तेरे दर्शन कीते हैं। कह रविदास आस लग जीवो,
चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। सारियां मूर्तियां गंगा दे पार आ गईं, हर पासे जय जयकार होने लग पई। पंडित खिसक गए ने, नवाब ने हाथी मंगाया, ओ मूर्तियां हाथी ते रखियां, रविदास भगत जी नूं उत्ते बिठाया। फुल्लां दी वर्खा हो रही, सोने दा छतर सिर ते फिर रहा, एक जलूस दी शकल विच ये सारे लोग मंदिर वल तुर पए। हर पासे जय जयकार देखी, सिर ते छतर भी देखे आ, ते रविदास भगत उस परमेश्वर दे नाल जुड़ गए। अपने मन दी अवस्था अपने शब्द विच यूं बयान कीती, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ऐ परमेश्वर ऐसी लाल इन्ना प्यार मेरे वर्गे चमार दे नाल, तेरे तू सवा होर कौन कर सकदा है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवास गुसैया मेरा। गरीब निवाज, गरीबां नूं निवाजण वाला मेरा गुसैया, मेरा मालक, मेरा परमेश्वर, जेड़ा माथे छत्र धरे, गरीबां दे मथे दे भी सोने दे छत्र चला देंदा है। किथे मैं जुतियां गंढण वाला, मेरे हथों कोई पानी पी के राजी नहीं, पर अज मेरे सिर ते भी सोने दा छत्र फिर रहा है, ते दुनिया नमस्कारां पई करदी। गरीब निवास गुसैया मेरा, माथे छत्र तरे जांकी छोत जगत को लागे, ता पर तू ही टरे। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, जड़ा मेरा गोविंद है मेरा परमेश्वर, वो नीचा नू ऊंचे कर देंदा है। क्यों? इस वास्ते कि वो किसे तू डरता नहीं। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहूं ते ना डरे। नाम देव कबीर त्रिलोचन, सदना सैन तरे। कह रविदास सुनो रे संतो, रविदास भगत ऐ संत जनो, ऐ दुनिया दे लोको, मेरी गल सुनो। हर जियो ते सबे सरे, ओ जड़ा हरी परमेश्वर है ओ सब कुछ कर सकदा है, जिस तरह के मेरे वर्गे चमार नू अज उन्हें किन्ना मान बख्शिया है। कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सबे सरे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे,
चिर पै दर्शन देखे। रविदास भगत दी सोभा चितौड़ राणा संग एदी घरवाली चाला बाई ने भी सुनी। तीर्थ यात्रा दे बहाने राणी चाला बाई बनारस रविदास भगत दे मंदिर विच आ पहुंची। संगत बैठी, रविदास भगत हाथ विच खड़ताला फड़ के परी संगत विच ए शब्द पढ़ रहे सन जदो राणी चाला बाई मंदिर विच पहुंची। जल की पीत पवन का तंबा रक्त बूंद का गारा हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा। ऐ पाई सब कुछ उदू तक जदू तक असी जीने आ, मर गए ता कुछ भी अपना नहीं क्यों मेरा तेरा करना है। ऐसा असर राणी ते होया जो कुछ भी लेके आए सी सारा कुछ भगत रविदास दे चरना ते पेटा कर दिता। चेली बन गई, एक महीना रह के फिर वापस चली गई। पर पंडतां नूं बड़ा गुस्सा लगा कि इन्नी माया रविदास कोल चली गई। ए चितौड़ जा पहुंचे ने राणी नूं कहा कि तुसी राजपूत हो पर तुहाडी घरवाली ने एक चमार नूं गुरु बनाया धर्म भ्रिष्ट कर लिया। राणी नूं गुस्सा चढ़िया, राणी दे महलां विच गए। कहन लगे राणी बनारस तों कुछ ब्राह्मण आए ने कहिंदे ने तू चमार नूं गुरु बनाया। राणी कहन लगी स्वामी जी ओ पंडित माया दे भुखे ने आओ मेरे नाल। पंडतां नूं कहा तुहानूं मूंह मंगी माया देंगी ए दसो कि सच्चा भगत कौन है। ओ ते आए माया वास्ते सन माया मिली। कहन लगे सच्चा भगत ते रविदास सी। राणा भी हुण श्रद्धालु बन गया। रविदास भगत नूं चितौड़ बुलाया, बड़ा वड्डा भंडारा कीता गया। हजारां लोग इकट्ठे होए, ब्राह्मण भी राजे भी अमीर भी। जिदन भंडारा होना सी हजारां लोग पंगतां विच बैठे ने। रविदास भगत जी आके बैठे, भंडारा शुरू होण लगा ते पंडतां ने रौला पा दिता। कहन लगे चमार साडे नाल बैठेगा ता असी रोटी नहीं खानी। राजा कहन लगा ए ता मेरे गुरु ने, जे मेरा गुरु ना बैठा ते मेरा भंडारा सफला नहीं होना। पंडित कहन लगे राजन या ता कल्ले रविदास नूं खुश कर ले ते या सानू सारिआं नूं। ते रविदास जी कहन लगे राजन ए ठीक कहिंदे ने, मैं चमार जुतियां गंढन वाला ए उचियां जातां दे मालक मैं इन्हां दे नाल बैठन दे लायक नहीं हैगा, इन्हां नूं पहलां खवा लो। रविदास भगत अपने कमरे विच चले गए पर मन दुखी है। उन्हां लोकां नूं कुछ नहीं कहा, अखां विच अथरू। भगतां दे गिले शिकवे परमेश्वर नाल हुंदे ने ते ए शब्द उचारे है। मेरी संगत पोच
सोच दिन राती। ऐ परमेश्वर मैं ते अगे दिन रात यही सोचता रहना, मेरी संगत नीवी, मेरा बहना उठना भी नीव्या दे नाल, मेरा जन्म भी चमारा दे घर, मैं ता अगे ही सोचता रहना। मेरी संगत पहुंचे सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांती, राम गुसैया जी के जीवना, मोहना बिसारो मैं जन तेरा, मेरी हरो विपति जन करो सवाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाए। कहन लगे आज मैं भी फैसला कर ले कि तेरे चरण नहीं छड़ने, भावे मेरी जान क्यों ना निकल जावे, कि आज इन्हां लोकां ने मैनू पंगत विच उठा दिता, एक है कि ए चमार है, ए नीच है, ते तेरा नाम जपण वाला इन्ना नीच हो जांदा है कि वो किसी नाल बैठ के रोटी नहीं खा सकता। जे तू अज भी ना बौड़िया ते कल नू फिर कौन तेरा नाम जपेगा। मेरी हरो विपत चन करो सवाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाए। कह रविदास परो तेरी सांबा, बेग मिलो जन करना बिलांबा। ऐ परमेश्वर सांबा कहंदे ने शरण नू, बेग जल्दी, मैं तेरी शरण पया ते जल्दी आके मिल। बेनती की थी, उधर भंडारा शुरू हो गया। जदू ब्राह्मण रोटी खान लगे ने ते की देखदे ने कि रविदास नाल बैठा होया। जेड़ा ब्राह्मण थाली विच हथ पांदा है नाल रविदास भगत भी हथ पांदा है, रौला पै गया। हर कोई कहन लग पिया कि रविदास मेरे नाल बैठा है। राजा कहन लगा रविदास तां अपने मकान विच बैठे ने, कमरे विच बैठे ने। हजारा ब्राह्मण उन्हां सारिआं दे नाल इक इक रविदास बैठा होया है, रौला पै गया। तां विच सियाणे भी सन, कहन लगे भई रविदास तां इक है, हजारां दे नाल जे इक इक रविदास बैठा है तां इह लीला परमेश्वर दी है, उह सच्चा भगत है। आओ चलिए। सारे उठे ने, रविदास भगत दे चरणां ते मत्था टेकिआ, रविदास भगत नूं अपने नाल बिठा के उन्हां सारिआं ने भोजन छकिआ, खिमा मंगी। उन्हां सारिआं फिर उच्चियां कुलां वालिआं ने, ब्राह्मणां ने फिर रविदास भगत दे चरणां ते मत्था टेकिआ, ते रविदास भगत जी ने उन्हां लोकां नूं फिर उपदेश कीता है। ए रविदास भगत दा जीवन, जिन्हां ने माया दा त्याग कीता, परमेश्वर दा नाम जपिया, ते गुरु अर्जन साहब ने होर कृपा कीती, रविदास भगत दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज कीती, ते जदों भी आपां गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकने आ, रविदास भगत नूं भी असीं मत्था टेकने आ, परमेश्वर दा नाम ऐसा है कि जिहड़ा भी इंसान मन करके जपदा है उह नीच तों ऊच हो जांदा है, ते सारी दुनिया फिर उहनूं मत्थे टेक दीए। जिस तरह रविदास भगत नूं सारी दुनिया मत्था टेक दीए। चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे।